गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट से ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 9, चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट, 3+√3, 2+√2। सेकंड पार्ट, √5+√2 होल स्क्वायर। तो 1 by 1 सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, 3+√3 मल्टीप्लाई 2+√2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म उठाएंगे हम, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2+√2 से, एज इट इज राइट कर देंगे। फिर सेकंड टर्म +√3 राइट करेंगे, उसको सेकंड एज इट इज राइट कर देंगे 2+√2। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6 प्लस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 प्लस √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √2। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6+√2 प्लस 2√3। अब देखिए इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, √a × √b इसके इक्वल होता है, इसको हम राइट कर सकते हैं √ab प्लस √3 × 2 = 6 √6। दैट इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन, √5+√2 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वी नो दैट a+b² = a² + 2ab + b². ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, √5² + 2ab (√5 × √2) प्लस b² (√2). √5² किसके इक्वल होता है, 5 के, 5+2। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, देखिए √a(√b) = √ab, तो ये हो जाएगा 5 × 10 √10 प्लस √2² किसके इक्वल होता है, 2। 5+2 ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7+√10। दैट इज आंसर। आफ्टर दैट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, 1/√7, सेकंड पार्ट 1/√7 - √6, इनका हमें क्या करना है, रैशनलाइज। देखते हैं 1 by 1 सॉल्यूशन। फर्स्ट 1/√7, रैशनलाइज मींस होता है जो डिवाइड में अगर रूट वाली डिजिट है आपके पास, तो उसी डिजिट से आप क्या कर दो, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7/√7, ये किसके इक्वल होगा, √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 × √7 7 के इक्वल होता है। देखिए कैसे √7 × √7, इसको हम राइट कर सकते हैं, 7 रूट का मतलब होता है power 1/2 मल्टीप्लाई 7 power 1/2, इट मीन्स बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो ये हो जाएगी 7 power 1/2 + 1/2। इसको हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 7 × 2 = 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 2 = 2, इट मीन्स 1, 7 power of 1, इट मीन्स क्या आएगा, 7 के इक्वल होगा। देखिए ऐसे सिंप्लीफाई किया था हमने, तो इसका आंसर होगा √7/7। सेकंड क्वेश्चन, 1/√7 - √6, इसका हमें रैशनलाइज करना है, तो अपोजिट साइड से ऑलवेज हमें मल्टीप्लाई करना होता है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, √7 - √6,
तो इसके अपोजिट क्या होगा, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर में है डिनोमिनेटर दोनों, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स। अब इसमें आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है फॉर्मूला, ये राइट कर देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट सिक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट सेवन प्लस रूट सिक्स डिवाइड में रूट सेवन के स्क्वायर, अभी सिंप्लीफाई किया सेवन के इक्वल होगा माइनस रूट सिक्स के स्क्वायर सिक्स के इक्वल होगा, तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, सेवन में से सिक्स माइनस करेंगे तो वन, तो ये किसके इक्वल होगा आंसर, रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, दैट इज आंसर।